मेरे साथ आदित्य और मृणाल दोनों हैं, और मैं पूछूंगी तो नहीं किसने मर्डर किया हाँ वो तो नहीं अंतिम पूछ सवाल सकता। जो है, लेकिन ये जो जर्नी है, ये जर्नी मुझे बताइए, हाउ यू नो, ऑफ कोर्स आपको भी अच्छा लगता होगा इस तरह की कहानी, इस तरह के जॉनर, किरदार. यस यस यस, आई लव, एज अ व्यूअर तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, आई लव वॉचिंग इट, इट्स ऑलवेज, व्हेन इट्स डन राइट इट कैन बी रियली गुड, पर इसको अच्छे से बनाना इतना आसान नहीं है, टू मेक श्योर कि ये बड़ा थिन लाइन है, उसको मतलब इंगेजिंग रखना है, ऑडियंसेस को क्लूज भी देने हैं पर इतने क्लूज नहीं देने हैं जहाँ कि दे फिगर इट आउट, चैलेंजेस टू स्टे टू स्टेप्स अहेड ऑफ द ऑडियंस एट ऑल टाइम्स, तो है ट्रिकी है, बट दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस स्क्रिप्ट एंड अबाउट दिस फॉर्मेट, आई थिंक वी होपफुली मैनेज टू डू दैट, और काफी सरप्राइजेज और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है सेकेंड हाफ में, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ फन वन फॉर पीपल, फॉर फैंस ऑफ द जॉनर। और पुलिस ऑफिसर के किरदार में आपको तो पहली बार ऐसे देख रही हूँ, एंड यू हैव सेड समवेयर दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय ताबूज कैरेक्टर्स, व्हाट शी हैड प्लेड. यू नो, हम सभी देखते हैं ना, किसी को तो वी लुक अप टू, बट दिस वन आई रियली बिलीव दैट यू नो, विद द स्टर्न फेस, यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. थैंक यू मैम, थैंक यू. कमिंग फ्रॉम यू रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी. इट्स रियली नाइस, आई मीन बीइंग इन द पोस्टर, बीइंग इन द ट्रेलर, वॉट एवर वी कुड सी. सो आप इस किरदार में आना और उसे जीना, यू टेल मी अबाउट इट. लाइफ में हम किसी ना किसी तरह से गुमराह हो जाते हैं, लेकिन क्या है वो स्टोरी, वो आप डेफिनेटली 7 अप्रैल को जाने देखेंगे. बट अगर आप मुझे अपने प्रोसेस के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पूछे, तो एक ही जवाब देना चाहूँगी कि वो ख्वाहिश थी पुलिस ऑफिसर बनने की, वर्दी पहनने की. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो केस सॉल्व करना. मर्डर मिस्ट्री मैं हमेशा देखती थी, लेकिन इस बार मुझे उसका हिस्सा हिस्सा बनने बनने का को मौका, मिल रहा है वो. और भी, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जब मैं शिवानी का प्रिपरेशन कर रही थी, सो आई वाज लाइक, आई डोंट हैव टू बी, आई डोंट वांट टू बी बायस. क्योंकि क्या हो जाता है, सबूत हो या ना हो, लेकिन ओपिनियंस ऑलरेडी बनने लगते हैं कि इसने किया है, उसने किया है. बट पुलिस ऑफिसर का ये जॉब होता है कि हुज डन इट, एंड दैट वॉज मोर इंटरेस्टिंग. इट वॉज अ माइंड गेम. और जब ऑडियंस भी ये फिल्म देखेंगी, तो उन्हें यू नो, दे विल फील चैलेंज कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसने किया है, उसने किया है, नहीं, शायद इसने किया है, पर ये भी हो सकता है. और इस फिल्म के साथ बहुत सारी नई चीजें भी है ना, फ्रेश पेयरिंग देखने को मिल रही है, डबल रोल. अच्छा, राइट, एक में आप इतना लोगों को चार्म करते हो, ये दोनों. हाँ, हॉटनेस का तो मतलब अरे हिसाब वाह, किताब अरे ही अरे, नहीं हाउ है, स्वीट। इमेजिन. और प्लस इस तरह का मतलब, आई थिंक क्राइम थ्रिलर भी फॉर यू, फॉर यू इज द इट्स माय फर्स्ट, फर्स्ट. राइट? माय या फर्स्ट. यू या, आर कमिंग फ्रॉम नाइट आई थिंक मैनेजर, नाइट में से तो मलंग भी हाँ, मलंग भी था, वैसे वैसे था. था, या तो आप दोनों का काम भी जितना देखा है, सीतारामम नाइट मैनेजर जो लास्ट, आप जी दोनों का क्या होता है ना, व्हेन यू डू सच गुड वर्क, एक एक एक्सपेक्टेशन लेवल और बढ़ा देते हो लोगों का. राइट अरे इसकी फिल्म है, या इसकी फिल्म है, राइट, सो देन हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स. आई गेस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहता है, यू नो, विद सक्सेस और नॉट, आपको यू नो यू हैव टू डू योर बेस्ट वर्क ऑलवेज, यू हैव सो मच राइडिंग ऑन एवरी प्रोजेक्ट, देर आर सो मेनी पीपल्स करियर्स कनेक्टेड टू एवरी फिल्म, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा महसूस होता है, यू नो, वॉट एवर द प्रोजेक्ट इज, बट येस, जब समथिंग डज वेल तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, विच इज अ गुड थिंग, आई मीन आई वेलकम दैट एक्सपेक्टेशन एंड होपफुली वी लिव अप टू इट। फिल्म्स डायलॉग से चलती है, गाने हो, डायलॉग्स कहते हैं ना, वो मसाला फिल्म जाकर के देखो, लेकिन जब डायलॉग्स का डोज रहता है, देन यू नो पीपल टेक बैक दोज डायलॉग्स होम. ट्रेलर का वो जो डायलॉग है आपका, विच इज लाइक, मैडम प्लीज कैन इंसान यू हो, जस्ट, डिटर्जेंट नहीं, कितनी दवाई दूं. इंसान क्या था मैडम मैडम, इंसान इंसान हो, हूं डिटर्जेंट डिटर्जेंट नहीं, नहीं, कितनी बार कितनी सफाई दवाई पेश करूं। करूं. यू सेड इट इन वेरी रफ वे, है ना. वो राइट तरीका बड़ा मस्त था, राइट, वो बहुत बहुत कैरेक्टर मस्त मजेदार है, था. आई गॉट हाँ टू प्ले एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो आई मीन आउट ऑफ द टू, एक जो है सिमिलर काइंड ऑफ टू मी, द अदर वन इज अ लिटिल मोर रफ एंड टफ, अ लिटिल मोर रफ अराउंड द एजेस, तो वो करने में मजा आया। चलो क्विक क्वेश्चंस. यस, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर. आई थिंक डेफिनेटली आशिकी 2।
आपकी? आई थिंक माई फर्स्ट शो मुझसे कुछ कहती खामोश है, कैमरा के सामने आने का मौका मिला एंड दैट जस्ट टर्न्ड एवरीथिंग फॉर मी। वाओ, बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर? यार बिगेस्ट फियर, डीप क्वेश्चन, व्हाट इज योर्स? डीप माइंड इज टू बी अबैंडन्ड बाय द लव्ड वंस। अच्छा, अबैंडनमेंट इज माय, ओके। आई थिंक टू लूज लव वंस इज यस माय यस दैट इज लूजिंग लव वंस, मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो, हम सबका वही होता वही है, होता है कि पीपल यू लव वो आप नहीं खो सकते, बाकी चीजें तो यू कैन ऑलवेज यू नो अबैंडन, प्लीज डोंट, आई कांट डील विद, आई कांट स्टे अवे फ्रॉम माय लव्ड वंस। अच्छा, रिग्रेट ऑफ लाइफ? I think yeah, now I know what my biggest regret is. I wish I would have gotten my grandpa to Mumbai to show him where I live, to show him what my job is. Yeah. But very unfortunate, he passed away while shooting, while I was shooting for Gumrah. Oh. Yeah. If not acting, then what? Agar acting nahi kar rahe hote, to aap kya karte? Music, shayad. Music. I would be driving. You would be driving, not you'd be a driver. Not crazy, but I would be driving some really interesting cars. Like a race driver? Like a race driver. Okay. Like Lewis Hamilton is someone to be blamed. Wow. What do you like the most about being an actor? I actor banne guess... ka sabse khubsurat cheez aapko kya lagti hai? To get... it's like an escape for me. मुझे आई डोंट लाइक रूटीन, आई लाइक डूइंग समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम, इज अ न्यू चैलेंज, सारे किरदार प्ले करने का मौका मिलता है। एज यू सेड दैट यू वांटेड टू बिकम यू नो ये पुलिस ऑफिसर का रोल, और एक अलग दुनिया में, थोड़ी टाइम के लिए एक अलग दुनिया में रहने का मौका मिलता है। जैसे कि आप एक स्टूडियो में जाते हो सुबह 9 बजे और जब आप शाम को निकलते हो तो इट यू डोंट नो व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज, योर डे इज गॉन एंड इट्स It's the scene is a day scene. You come out, it's night. So the chance to get lost in those different worlds. Yeah. I love that. Yeah. I think for me, it's more than anything. I think. आज अगर मृणाल आपके सामने बैठी है तो बहुत से decisions मेरे life में मैं नहीं ले पाती अगर मैं ये किरदार मेरे life में नहीं play करती, क्योंकि उनकी गलतियों से मैंने सीखा है। उसके अलावा एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, मुझे लगता है कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू नो अबाउट माई रूट्स, एंड थ्रू दीज फिल्म्स आई गेट टू नो अबाउट माई कल्चर, अबाउट द यू नो द लैंग्वेजेस, टू नो अबाउट द पर्सनैलिटीज हु वर नॉट सेलिब्रेटेड देन, बट इस इन फिल्मों के थ्रू वी गेट टू सेलिब्रेट दीज सुपर हीरोज, नॉट नेसेसरी दे हैव टू पे वेयर अ केप, बट जैसे कि आनंद जी हो सुपर 30 में, या यू नो सो मेनी मेनी फिल्म दैट आई बीन अ पार्ट ऑफ, सो आई फील लाइक ट्रैवल करने का मौका मिलता है, ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जाने को मौका मिलता है जो जहाँ तक, जहाँ पर कोई गया ही ना हो, विच आर अनएक्सप्लोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट टू एक्सपीरियंस, यू गेट टू इंटरैक्ट विथ सम ऑफ द लेजेंड्स। Yeah, I think I'm a different human. I can't imagine my life not being an actor. कई लोग बहुत प्राइवेट होते हैं, अपनी जिंदगी को गिव आउट नहीं करना चाहते, लेकिन एक्टर्स की जिंदगी कई बार हो जाती है यू नो कि यू आर अ पब्लिक फिगर। एक्टर होने का कोई खामियाजा कभी भुगतना पड़ा? एक्टर होने का खामियाजा, खामियाजा लाइक एनी डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज आई मीन हर एक कोई भी जॉब में कोई प्रोज एंड कॉन्स है, तो यही मैं कह रही थी तो वो कि वो द फ्लिप साइड इज यस आपके, बट वो भी आपके कंट्रोल में है, यू कैन स्टिल लिव अ प्राइवेट लाइफ इफ यू चूज टू। आई गेस आई डोंट शेयर दैट मच, मैं सोशल मीडिया पे इतना पोस्ट नहीं करता हूँ, आई कीप माई प्राइवेट लाइफ मेनली प्राइवेट, तो यस सम थिंग्स यू कांट हेल्प, बट वो भी आपके हाथ में है, एंड इफ यू आर कॉन्शियस यू कैन क्रिएट अ बैलेंस, या इट्स पॉसिबल। I think it's about it's I pretty much agree जो आदित्य ने कहा, और कभी कभी हमारे ऊपर भी depend करता है how much to give information out. To the public out there. So if you see I kind of stay away, like my family के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती because yeah sometimes but then it's they disturbing. Get question it no not this, but उनको खाली फुकट सवाल वैसे भी पूछते, अगर rumors हो तो उनको सवाल पूछते हैं लोग
क्या ये सही है. इनफैक्ट आई हर्ड कि वी वर डूइंग अ न्यू फिल्म, मैं लाइक रियली, एंड ऐसा होते रहता है. सो यू नो इट्स इट्स बेटर टू कीप टू डिसाइड योर बाउंड्रीज. पहली बार कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है? मैंने ये डिसाइड किया शायद एक्शन रिप्ले या गुजारिश के बीच में. माय बाय द थर्ड फिल्म आई डिसाइडेड कि मुझे एक्चुअली ये करना है. उसके पहले आई वाज नॉट एंड श्योर. हु डिड यू शेयर इट विद? किसके साथ आई आपने? टोल्ड माय मॉम, आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि आई फील लाइक आई लव दिस नाउ, आई वांट टू डू दिस. तो करते करते आई डिस्कवर्ड दैट दिस इज समथिंग आई लाइक. स्टार्ट से नहीं था वो. कृणाल, वाओ. फर्स्ट ईयर में मेरा जब लिटरेचर का क्लास चल रहा था तो हमारी जो टीचर थी मिस हीरा नंदानी, उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया था टू रिव्यू अ बुक, एंड द बुक आई चोज वॉज द नेम सेक. और क्योंकि मुझे पढ़ना थोड़ा उस वक्त पसंद नहीं था तो मैंने एक शॉर्टकट लिया था जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी थी. आई वेंट एंड वॉच द मूवी और मीरा नायर डायरेक्टेड दिस फिल्म, जहाँ पर इरफान खान और तबू मैम थी उस फिल्म में. उन दोनों को देखकर मुझे लगा कि ये कुछ अलग ही मैजिकल सी दुनिया है जिसमें एक ख्वाहिश जगी थी अंदर कि एक लेडी इरफान बनना है मुझे. यू नो एंड इनफैक्ट जब मुझे मुझे अंदर से जब वो आवाज़ आई कि आई शुड प्रोबली गो एंड यू नो गिव ऑडिशन, तो हिम्मत नहीं थी मॉम डैड को बताने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि मैं अपने पैरों पर एज अ इधर एज अ डेंटिस्ट, या क्योंकि उस वक्त मैंने झगड़ा करके जर्नलिज्म में एडमिशन लिया था BMM में, वो ये सोच के कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी. लेकिन दैट वाज एक्चुअली आई एम सॉरी पेरेंट्स बट आई मैनिपुलेटेड देम. मुझे इस लाइन में आना था एंड आई फेल्ट लाइक BMM वाज द सेफेस्ट डिग्री टू बी टू गेट. सो या दैट वाज द टाइम फर्स्ट ईयर. आदित्य, एक चीज़ अगर आपको आपको कहा जाए कि अगर चाहो तो आप बदल सकते हो, वो क्या होगा अपने आप में? अपने आप में समटाइम्स आई प्रोक्रेस्टिनेट टू मच, तो मे बी लेस प्रोक्रेस्टिनेशन. डू इट एट दैट मोमेंट. हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन. यू आई चीज़ जो मैं मेरे अंदर बदलना चाहूँ वो ये है कि ओ माय गॉड देयर आर सो मेनी एक्चुअली, बट I need to stop criticizing myself. You do that. Please. I do that a lot. आप करते हो? करता हूँ. Yeah, sometimes it's too much is not good. Yeah, I do. I mean, it's good much. To criticize yourself, of course, but it's good to be nice to yourself when you're good also. Yeah, और मुझे तारीफ से डर लगता है. मुझे समझ में नहीं आता कि ये सच्ची तारीफ है या just because कह दिया अच्छी है because just for the heck of. या कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उस वक्त तुझे बोला नहीं क्योंकि शायद तुझे बुरा लगता है, लेकिन अच्छी अच्छी है. तो मुझे उस चीज़ से भी काफ़ी डर लगता है. एकदम ब्लंटली आपको कौन आपके बारे में सच बोलता है? एज शी सेड दैट यू नो तारीफ ऑलवेज गुड गुड इट्स लाइक नॉट हेल्दी. आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो काफ़ी ऑनेस्ट है, बोल देते सीधा. माई मॉम इज क्वाइट ऑनेस्ट विद मी. अगर उनको कुछ ठीक नहीं लगे तो शी सेज कि यू नो आदित्य दिस आई डिडंट लाइक दिस आई डिडंट लाइक दैट. It's very important to have those people and not surround yourself with people that just praise you and very true. That is the key. Puchu. Kya? She's been dying. Yeah, no, dying. No, I'm not dying. You saved the dying. Best for last. Listen, I've been observing her. She's like, अभी यू नो यू हैव टू डील विद सो मेनी थिंग्स. वहां से इशारे आ रहे आईलाइन में. आईलाइन में. हाँ आदित्य, बोलो बोलो क्वेश्चन क्या है. देखो आपको अभी तो लगातार यही पूछ रहे, ये सवाल सलमान खान ने पता नहीं कितने सालों से सुना सालों है. से, अभी मेरा टाइम आ गया. आपका मेरा टाइम आ गया. अब आपका टाइम आ गया. आ गया. अब रड़ा टाइम आ गया. एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग मैरिड. एवरीबॉडी इज एवरीवन इज गेटिंग मैरिड बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. सब लोग आपको पूछते होंगे चाहे वो इंडस्ट्री से हो या फिर बाहर से हो. अभी चालू हो गया है. नाउ दिस इज ओनली इट अवार्ड. और अब तो मैंने कहीं पढ़ा कि भाई घर वाले भी मान गए हैं. आई डोंट नो ये सब क्या बात है. अभी हमें गुमराह मत कीजिए. अब यही गुमराह किया जा रहा है. आप हमें गुमराह कर रहे हो. आई थिंक नेक्स्ट टाइम यू आस्क मी आई विल हैव एन आंसर.
ठीक है, तो फिर जब तक नॉट अ जो डेट जो एन इनके सात 7 अप्रैल को एक नहीं दो दो आदित्य दिखेंगे आपको हाँ स्क्रीन पे, दोनों जाइए। बैचलर और दोनों बैचलर है तो नो नो दोनों बैचलर है ये एकदम यही हुक पॉइंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।